एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 24th ऑफ फेब्रुवरी, थर्सडे, और मैंने अपने फिर से ये येलो वाली फेवरेट टॉप पहन ली है। एक्चुअली आज थर्सडे है और ये माना भी जाता है कि थर्सडे को येलो कलर पहनना चाहिए। इसका माइथोलॉजिकल रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, बट साइंटिफिकली एज अ मेडिको अगर देखें ना, तो येलो कलर जो है वो हैप्पीनेस को डिनोट करता है। येलो पहन के कहीं ना कहीं आपको अंदर से खुशी होगी और आप एक पॉजिटिव सा फील करने लगेंगे, एंड स्पेशली थर्सडे को, क्योंकि गुरुवार है एंड गुरु को तो पीला रंग डिनोट करते ही हैं। और हाँ, आज जब मैंने कॉलेज से अपना व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लेट हो गई थी, तो फिलहाल चलिए चलते हैं क्लासेस के लिए और उसके बाद मिलते हैं आपसे। सी गाइज द ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन द गार्डन ऑफ आर कॉलेज, एंड अगेन टू माई फेवरेट काम, नेचर में खुद को एंजॉय करना। मौसम जो है ना, जैसे फिर से ठंडी की तरफ जाने लगा है, ठंडी हवा चल रही है एंड हल्की बारिश हो रही है अभी तो, बिन मौसम बरसात। चलिए चलते हैं अंदर, फिर बात करेंगे आपसे। तो अपने हॉल में आके मैं आराम से बैठ गई हूँ, हाँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। और यही बारिश या फिर से ठंड की तरफ जाना, ये जो वेदर चेंज हो रहा है ना गाइस, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को। इस पे हमारा आयुर्वेदिक टर्म ऋतु संधि पे एक व्लॉग मैंने डाला भी था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाएं और देखें और वेदर चेंज से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसमें मैंने बता रखा है। इसमें ना हमारी इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है बेसिकली, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम बीमार पड़ जाते हैं। और ये वर्ड जो इम्यूनिटी है, ये सबसे ज़्यादा हमने कहाँ सुना है पता है? कोविड टाइम में। अभी जो कोरोना काल चल रहा था उसमें सब कह रहे थे कि जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको जल्दी अटैक हो रहा है, एंड ये बात सच भी थी। और उसी पे बेस्ड अपने ब्लॉग्स की सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सीरीज़ अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, कोविड सीरीज़। क्योंकि सही बताऊँ तो बीइंग एन आयुर्वेदा स्टूडेंट, हमने खुद से भी ये चीज़ फील की है कि कोरोना काल में ना आयुर्वेद काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया, क्योंकि लोग जाहिर सी बात है अपनी प्रकृति की तरफ जा रहे थे। और हमारे लिए एज अ स्टूडेंट मैं अगर बोलूँ तो ये हमारे डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा टाइम रहा। तो कोविड टाइम में आयुर्वेदा कैसे वर्क किया और कैसे आगे बढ़ा, ये सारी चीज़ें मैं आज के बेसिक टिप ऑफ द डे में आपके साथ शेयर करूँगी। और आगे के 4-6 व्लॉग सभी हमारे कोविड सीरीज़ पे चलेंगे। तो चलिए फिलहाल मैं अपने लंच को एंजॉय करती हूँ, फिर वापस अपने रूम पे जाएंगे, आपसे बात करेंगे अपने टिप ऑफ द डे के बारे में, द बेसिक इवॉल्वमेंट ऑफ आयुर्वेदा ड्यूरिंग द कोविड टाइम। फाइनली बैक फ्रॉम द कॉलेज विथ माई रेगुलर कप ऑफ टी। और बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था, इसलिए कुछ भी शूट कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और वापस से अभी मुझे क्लिनिकल्स के लिए जाना है, तो मैंने कहा कि इतना टाइम जो है वो मैं अपनी ऑडियंस के साथ स्पेंड करती हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बात कर लेते हैं अपने टिप ऑफ द डे के बारे में। जैसा मैंने कहा था कि हाउ डिड आयुर्वेदा इवॉल्व ड्यूरिंग द कोविड टाइम, मतलब कि कोरोना काल में हमने कैसे आयुर्वेद को जाना और इसके साथ हम आगे कैसे बढ़े। सही बताऊँ एज अ स्टूडेंट मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूँ ना, तो कोरोना काल में आयुर्वेद का एक नया जन्म हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है पता है? अगर इस चीज़ को हम अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करते हैं, तो जैसे अगर हमें कोई भी चोट लगती है या कुछ भी होता है ना, तो हमें अपनी माँ की याद आती है। ऐसा लगता है ना जैसे अभी ही ठोकर लग गई, ओ माँ, ये चीज़, ये एक्सपीरियंस या एक वो थ्रिल निकलता है हमारे। सेम चीज़ हुई, हम जागरूक हुए, हमने अपने आसपास रखी चीज़ों की वैल्यू पता चली और हमने उसे यूज़ करना सीखा। और एक कोट भी है ना कि आयुर्वेदा इट्स नॉट जस्ट अ साइंस फॉर मेडिसिन, इट्स द साइंस एंड आर्ट ऑफ लाइफ। मतलब कि आयुर्वेद जो है वो सिर्फ लोगों को ठीक करने की एक पैथी नहीं है, ये हमें हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करता है, हमें जीना और ख़ुद को ठीक रखना सिखाता है। तो ये एक बात थी जो हमें रियलाइज़ हुई और हम इसके साथ आगे बढ़े, हमने खुद को ठीक रखा। इवन कोरोना के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ हुआ, और सिर्फ ट्रीटमेंट तक ही नहीं, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब कि जिन लोगों को कोविड हुआ और होकर ठीक भी हो गया, उसके बाद भी उन लोगों ने आयुर्वेद के थ्रू खुद को कैसे ठीक रखा, ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अपने इन कोविड सीरीज़ वाले ब्लॉग्स में। आई गेस 6 या 7 ब्लॉग्स का मेरा ये सीरीज़ होगा, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी।
एंड हाँ, मैंने भी ये सारी बातें एक प्रॉपर कोर्स के थ्रू सीखी हैं, सर्टिफाइड कोर्स जो कि ऑनलाइन था, तभी मैं आप सभी के साथ ये सारी बातें शेयर कर पा रही हूँ, द इवॉल्वमेंट ऑफ आयुर्वेदा या जो भी है। तो इस व्लॉग सीरीज़ का जो एंड होगा ना, उसके लास्ट वाले व्लॉग में मैं ये भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि मैंने ये सारी चीज़ें कहाँ से और कैसे सीखी हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनको भी ये बेनिफिट हो और वो भी ये सीख पाएँ। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। और मैंने आज येलो पहन भी रखा था, तो मैंने कहा इसी से स्टार्ट करते हैं। तो येलो कलर का एक कॉमन इंग्रेडिएंट हम सभी के किचन में होता है, हल्दी। और कोरोना काल में हमने हल्दी वाला दूध पीना शुरू किया था ना, तो इसकी रेसिपी क्या है, मतलब सिंपली दूध में हल्दी को तो बॉईल करना रहता है, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको अपने, क्योंकि आज रात को बनाऊंगी तो अभी से शूट करूंगी, तो कल के व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। फिलहाल उसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देती हूँ। कॉमन सी चीज़ है, हमेशा यूज़ भी करते हैं, लेकिन हमें इसका सही फ़ायदा नहीं पता होता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आई गेस पिछले भी किसी व्लॉग में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया भी था, क्यूमिन नाम का जो सब्सटेंस होता है वो हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब कि हमारी बॉडी में कहीं भी कोई दर्द या सूजन हो तो ये उसको कम करने में हेल्प करता है। दूसरा, अगर मेन कोविड में इसके यूज़ पे आए तो इसकी जो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ है, अगर सिंपली किसी कोविड पेशेंट की ही बात करें, वायरस उनकी बॉडी में चला गया था, उन्होंने हल्दी वाला दूध पिया, तो वो उस वायरस पे अटैक करके, उस वायरस को मार के हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने में इस चीज़ में हेल्प किया। तो ये हो गई उसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़। ये हल्दी की जो इनबिल्ट प्रॉपर्टी है वायरस को मार के हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने की, दिस वॉज द मेन थिंग वी गॉट टू रियलाइज एंड स्टार्टेड अगेन इन द कोविड टाइम। ये हो गई। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसने हमारे माइंड और बॉडी से स्ट्रेस रिलीव करके हमें एक ओवरऑल एनर्जी दी जिससे हम खुद को ठीक रख पाए। एंड इट्स ऑब्वियस कि जब हम मेंटली और फिजिकली फिट हों तभी हम कुछ अच्छे से सोच पाते हैं या प्लान कर पाते हैं या आगे कर पाते हैं। तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग जो कि मैंने स्टार्ट किया अपनी कोविड सीरीज़ का, जिसमें मैंने हल्दी वाले दूध यानी कि गोल्डन मिल्क या टर्मरिक की प्रॉपर्टीज़ भी बताई मैंने, और आपको टर्मरिक मिल्क के, हल्दी वाले दूध के एडवांटेजेस भी बताएं। इसकी रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ ये आपको अगले व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा एंड हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एक शेयर तो ज़रूर करें। आपके एक शेयर से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने सजेशंस और जो भी क्वेरीज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। चलिए चलते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी ही आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल।